तेजी से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लगातार 2 साल से आपको राशन भेजने का काम किया है कि नहीं किया, बताइए दोनों हाथ उठा के, किया है कि नहीं किया है? राशन के साथ अब हम साथ में याद है आपको कि नहीं याद है? मुझे तो याद है। 2017 में जब आया तो मैं आप सबसे प्रार्थना करके गया था कि आप भाजपा का कमल गिरा दीजिए, हम गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। और आप सबने रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके यहां से मनुलाल कोरी जी को लखनऊ भेजने का काम किया और हमने महरौली को मंत्रिपरिषद में स्थान देने का काम किया। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर ये कहने आया हूं कि पहली पारी में आप ईमानदारी से बताइए, जितना काम सपा बसपा कांग्रेस देश और प्रदेश की मिलकर के जब ये सरकारें चला रहे थे उसका दशांत भी नहीं किए और देश के प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने 2014 में और 2017 में अगर योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमारी सरकार बनाई है, आप बताइए पूरी ईमानदारी से जितना काम हमने 5 साल के अंदर करके दिया है कभी 15 साल में भी उतना काम हुआ था क्या? बताइए हाथ उठा करके, हुआ था क्या? अभी भी बहुत सारे काम बाकी है और बुंदेलखंड हमारे लिए केवल चुनाव जीतने का स्थान नहीं है, बुंदेलखंड हमारे लिए वह भूमि है जिससे हम बहुत दिल से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे यहां कहने आया हूं कि मैं आज यहां वोट नहीं, मैं वोट के रूप में आपसे कर्ज मांगने के लिए आया हूं, कर्ज मांगने के लिए आया हूं। आप वोट के रूप में हमें कर्ज दे दीजिए, हम 5 साल के अंदर ब्याज के साथ विकास करके चुका कर देने का काम करें। 2017 से 2022 में जो आपने देखा है वो टेलर था, टेलर असली पिक्चर को 10 मार्च 2022 के बाद आपको दिखाने का काम करेंगे। 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए सांपनाथ नागनाथ नेवलानाथ सपा बसपा सब एक हो गए थे कि नहीं याद है कि नहीं याद है? उनको मालूम नहीं था कि देश बुंदेलखंड माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिल में है और बुंदेलखंड के दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी। अरे चाहे कितने गठबंधन कर लो लेकिन बुंदेलखंड में कमल का फूल खिला था और कमल का फूल ही खिला रहेगा। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जोर से बताइए सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मुझे पूरा विश्वास है आपको वोट तो डालना है 20 तारीख को लेकिन वोटों की गिनती होनी है 10 मार्च को। और मैं आपको बता रहा हूं 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 3रे चरण का चुनाव हो रहा है, उसमें आपको वोट डालना है। 2 चरण के चुनाव में साइकिल जो है उड़ करके सैफई चली गई, हाथी उड़कर के बहन मायावती जी के बंगले में चला गया और हाथ के पल्ले वाले नानी के घर इटली चले गए। है क्या दुर्घटना से बताओ है क्या? ये दिखाई देते हुए कुछ लोग गिनती के जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियां अर्जित करने का काम किया होगा लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बुंदेलखंड के लोगों ने देश की सत्ता माननीय मोदी जी को सौंप करके रखी है।